नमस्कार। आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। देखिए, क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस में दो बुक है, एक कंटेम्प्रोरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरा इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। ये दोनों ही बुक का इक्वल वेटेज है और ये दोनों ही बुक को हमको 1945 से लेकर टिल डेट तक पढ़ना है। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का कोई कंक्रीट सिलेबस नहीं होता, जो वर्तमान में चल रहा है ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले इस बुक का फर्स्ट यूनिट को डील करेंगे। फर्स्ट यूनिट है कोल्ड वार, द कोल्ड वार इरा। कोल्ड वार में पहुंचने से पहले हमको इसके प्रीवियस जानकारी का होना जरूरी है। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है 1939 से 1945 तक। सेकंड वर्ल्ड वॉर दो गुटों के बीच में हुआ, एक एक्सिस पावर्स, दूसरा अलाइड पावर्स। एक्सिस पावर्स में जर्मनी, इटली और जापान ये प्रमुख देश थे, जबकि अलाइड पावर में यूएसएसआर, फ्रांस और इंग्लैंड प्रमुख थे। शुरुआती दौर में सेकंड वर्ल्ड वॉर इनके बीच हुआ, अमेरिका का इस पे कोई रोल नहीं था, भूमिका नहीं था। जब जापान के द्वारा अमेरिकी नेवल बेस पर अटैक किया जाता है, सबमरीन्स को डुबा दिया जाता है पर्ल हार्बर पे, उस समय अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ता है और बदले की कार्यवाही से अमेरिका ने पहली बार विश्व में पहली बार न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। जापान के दो शहर हिरोशिमा एंड नागासाकी, बच्चों कभी कभी एग्जाम में पूछे जाएंगे कि उन परमाणु बमों का नाम बताइए जो हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप किया गया था। तो हिरोशिमा में जो परमाणु प्रयोग किया था अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को, उसका नाम है लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त 1945 को ड्रॉप हुआ था नागासाकी पे, वो है फैटमैन। तो ये एक नंबर के सवाल में कभी कभी पूछे जाते हैं बोर्ड में कि उन दो बमों का नाम बताइए जो कि अमेरिका द्वारा जापान पे ड्रॉप किया गया था ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड। अब हम देखेंगे, जैसे ही परमाणु बम ड्रॉप होता है जापान पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। कहीं कहीं आलोचकों का ये मानना है कि जापान तो लगभग सरेंडर ही हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उस पर न्यूक्लियर बम गिराने की जरूरत नहीं थी। ये आलोचकों का मानना है, क्रिटिसिस जो करते हैं उनका मानना है। कुछ हद तक बात सही भी है, क्योंकि अमेरिका को अपना दबदबा दिखाने का अवसर मिला और उसका वो प्रयोग किया। एनी हाउ, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और समाप्ति के बाद विश्व में दो शक्तियां उभरी, टू कंट्रीज बिकेम सुपर पावर्स। व्हाई दीज कंट्रीज आर कॉल्ड सुपर पावर्स? बिकॉज दे आर हैविंग इक्वल पावर
वेयर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो या किसी भी फील्ड में दो, दोनों ही कंट्रीज का इक्वल पावर था, एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर, दोनों का इक्वल पावर। अब इन दोनों के बीच कोल्ड वार, अब हम टॉपिक पे आएंगे कोल्ड वार। कोल्ड वार नाम से ही आपको पता होगा, ऐसी वार जिसमें जो कि ठंडा है। अब ठंडा है इसका मतलब ये नहीं है कि आइस में लड़ा जाए, ऐसी बात नहीं है। कोल्ड वार का मतलब बिना हथियारों के इस्तेमाल किए वार का टेंडेंसी होना, युद्ध का टेंडेंसी होना। सो कोल्ड वार इज ए डिप्लोमेटिक वार बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। डिप्लोमेटिक वार, थ्री थिंग्स, थ्री एलिमेंट्स, थ्री कॉम्पोनेंट्स वेयर देयर ड्यूरिंग दिस कोल्ड वार पीरियड। फर्स्ट वन इज कॉम्पिटिशन, सेकेंड टेंशन, एंड थर्ड कन्फ्रंटेशन। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कोल्ड वार के दौरान तीन बातों का उल्लेख कीजिए जो उस समय दोनों कंट्रीज के बीच में था। कॉम्पिटिशन, देर वॉज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स फॉर वाट, टू इंक्रीज देयर वेपन्स, टू इंक्रीज देयर आर्ममेंट्स। कोल्ड वार के दौरान यूएसए और यूएसएसआर में एक होड़ सी लग गई थी अपने अपने हथियारों की क्षमता को बढ़ाने का। तो ये पहला कोल्ड वार के दौरान। दूसरा टेंशन, दोनों ही कंट्री अपने अपने आइडियोलॉजी को दूसरे पर थोपने में लगे थे। अमेरिका चाहता था अधिक से अधिक कंट्री अमेरिका के साथ हो, जबकि यूएसएसआर चाहता था कि अधिक से अधिक कंट्री यूएसएसआर के साथ हो। तो एक टेंशन, एक कंट्री जो करता है उसको हम कैसे काउंटर करेंगे, ये बात। तीसरा कन्फ्रंटेशन, कई बार कई मौके ऐसे आए जब दुनिया ने देखा कि ये दोनों कंट्री एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति थी कोल्ड वार के दौरान। और मैं आपको ये भी बता दूं, कोल्ड वार लास्टेड फॉर अबाउट 45 ईयर्स, 45 ईयर्स, दैट मीन्स इट वॉज स्टार्टेड इन 1945 एंड एंडेड इन 1990। दिस वॉज द पीरियड 45 ईयर्स। सो नाउ वट आर द रीजन्स बिहाइंड दिस कोल्ड वार, वो हम देखेंगे नेक्स्ट। रीजन्स और कॉसेस। फर्स्ट रीजन, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। दोनों ही सुपर पावर का आइडियोलॉजी डिफरेंट था। अमेरिका बिलीव्स इन कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म आप पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स का टर्म है। यूएसएसआर फेवर्ड कम्युनिज्म। नाउ सिंपल क्वेश्चन आरेसेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म मीन्स इफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, आपको मालूम होगा इकोनॉमिक्स का चीज है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर एलिमेंट्स आर देयर। नंबर वन कैपिटल, लैंड, लेबर एंड एंटरप्राइज। व्हेन ऑल दीज फोर एलिमेंट्स आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पीपल, दैट इज व्हाट कैपिटलिज्म। यदि ये उत्पादन के साधन जो चार हैं ये निजी हाथों में होता है तो उस व्यवस्था को कहेंगे पूंजीवाद या कैपिटलिज्म। वेरस इफ दीज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय स्टेट और गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड कम्युनिज्म। दोनों की आइडियोलॉजी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत।
तो ये दोनों ही कंट्री ड्यूरिंग कोल्ड वॉर दे वांटेड टू स्प्रेड देयर आइडियोलॉजीज ओवर अदर कंट्रीज. दैट वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई कोल्ड वॉर लास्टेड फॉर इयर्स. सेकंड, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन. द सेकंड रीजन दैट इज ट्रूमैन डॉक्ट्रिन. ट्रूमैन डॉक्ट्रिन. ट्रूमैन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दैट ड्यूरिंग दैट टाइम. ट्रूमैन स्टार्टेड ए प्रोग्राम टू चेक कम्युनिज्म. टू चेक कम्युनिज्म दैट प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्राम ऑफ कंटेनमेंट. प्रोग्राम ऑफ कंटेनमेंट. इसमें क्या है, इस प्रोग्राम का क्या मतलब है? अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि यूएसए विल हेल्प सच कंट्रीज विच ओपोसेस कम्युनिज्म. ट्रूमैन ओपनली डिक्लेयर्ड दैट अमेरिका विल हेल्प सच कंट्रीज विच ओपोज कम्युनिज्म. ये उकसाने का काम अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन के द्वारा किया गया, जो कि कोल्ड वॉर को आगे खींचने में बहुत मदद की. ट्रूमैन डॉक्ट्रिन. Truman, American president that time, he started a program, program of containment, which means America will help those countries which opposes communism. The third reason, Fulton speech. Fulton speech. अब ये क्या है? फुल्टन एक जगह है यूके का. फुल्टन वाइल एड्रेसिंग ए गैदरिंग एट फुल्टन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके चर्चिल ही ओपनली डिक्लेयर्ड दैट यूके इज अलोंग विथ यूएसए एंड विल ओपोज कम्युनिज्म और यूएसएसआर. फुल्टन में जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ओपनली ये डिक्लेयर किया अपने स्पीच के दौरान कि साम्यवाद के विरोध में अमेरिका के साथ खड़ा है इंग्लैंड. ये भी काफी हद तक कोल्ड वॉर को बढ़ाने का काम किया. जैसे आपको पता है, कोल्ड वॉर के शुरुआती वर्षों से लेकर आज तक यूके और फ्रांस का स्वभाव रहा है कि ये हमेशा अमेरिका के साथ खड़ा. आज भी हमको देखने को मिलते हैं, इनकी दोस्ती जो है बहुत पुरानी है और ये आज भी अमेरिका के साथ ही हैं, यूके और फ्रांस. अब नेक्स्ट कॉज, मार्शल प्लान. एग्जाम में पूछे जाते हैं व्हाट आर द कॉसेस ऑफ कोल्ड वॉर, कभी चार नंबर के सवाल पूछे जाते हैं. मार्शल प्लान. मार्शल वॉज द यूएस सेक्रेटरी ड्यूरिंग दैट टाइम, कोल्ड वॉर पीरियड. He started giving dollars to Western European countries. Western European countries. देखिए, कोल्ड वॉर का बुरा असर यूरोप में पड़ा और दोनों ही सुपर पावर यूरोप को अपने ओर अट्रैक्ट करने का कोशिश में लगा हुआ था. तो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को मदद करने के लिए अमेरिका आगे आए. उसके तहत मार्शल, जो कि यूएस सेक्रेटरी, उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को आर्थिक मदद, इकोनॉमिक एड देना शुरू किया. देखिए, ये सारी चीजें अमेरिका के द्वारा या उसके सहयोगी के द्वारा किया गया स्टेप है. अब इसके जवाब में, व्हेन मार्शल स्टार्टेड गिविंग इकोनॉमिक एड टू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इन ऑर्डर टू काउंटर दिस, यूएसएसआर अंडर मोलोटोव प्लान. Under Molotov plan, USSR started giving economic aid to Eastern European country. देखिए, यहाँ पे यूरोपियन दोनों हिस्सा को एक एक सुपर पावर अपने ऊपर अपने साथ मिलाने का कोशिश, इनको काउंटर करने के लिए USSR started giving economic help, economic assistance to Eastern European
कंट्रीज, कोल्ड वॉर। यहां पे डायरेक्ट वॉर नहीं है, वो क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। नेक्स्ट रीजन देखिए, अभी तक ये दोनों सुपर पावर अपने अपने यूएसए और यूएसएसआर के बीच टक्कर की स्थिति थी, अब ये थोड़ा और वाइड हो जाता है। बोथ ऑफ द सुपर पावर स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग मिलिटरी ब्लॉक्स, मिलिटरी फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, दिस वॉज द नेक्स्ट कॉज। बोथ ऑफ द सुपर पावर स्टार्टेड फॉर्मिंग मिलिट्री ब्लॉक्स अंडर दिस। अमेरिका फॉर्म्ड सेवरल मिलिट्री ब्लॉक्स लाइक नैटो, नैटो इज एन एब्रीवेशन, फुल फॉर्म ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ नैटो, ये आज भी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये अमेरिका के द्वारा गठित या उनके लीडरशिप में बनी हुई एक सैनिक संगठन नैटो। देन अगला जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो है सीटो, ये भी अमेरिका के लीडरशिप में बना। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन लिख लीजिएगा, देखिए पॉलिटिकल साइंस में रफ कॉपी की बहुत अहमियत होती है। अगर आप क्लास को सुनते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं और आपके पास एक सेपरेट रफ कॉपी अगर हो पॉलिटिकल साइंस में, तो आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। देखिए रेफरेंस बुक या टेस्ट बुक पढ़ के आप उतना अच्छा नंबर नहीं ले सकते अगर आपके पास रफ नोटबुक है, क्योंकि लेक्चर के दौरान कई बार ऐसे आते हैं कुछ कुछ रीजंस को हम करंट इशू से कोरिलेट करते हैं, तो वो सारे एग्जांपल्स आपको टेस्ट बुक या रेफरेंस बुक में नहीं मिलता। तो आपको बेहद ज़रूरी है कि एक सेपरेट रफ बुक पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर पॉलिटिकल साइंस होनी चाहिए। सेकंड, पॉलिटिकल साइंस में अच्छा नंबर लेने के लिए आपको न्यूज़ का सुनना बेहद ज़रूरी है। 20-30% क्वेश्चंस का आंसर आपको न्यूज़ सुनने का एक रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जिसमें इसका फ़ायदा ये है, एक तो पॉलिटिकल साइंस में आपको अच्छा नंबर दिलाएगा, दूसरा कोई भी टॉपिक, कोई भी बर्निंग इशूज पे आप कहीं पे भी 10 मिनट बोल सकते हैं किसी के भी सामने। तो ये एडवांटेज है न्यूज़ का। तो आजकल बच्चों में न्यूज़ देखने की जो प्रवृत्ति है बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं यही सलाह दूंगा पॉलिटिकल साइंस के लिए, अगर आप पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आप एक रफ कॉपी जरूर रखिएगा पॉलिटिकल साइंस के लिए सिर्फ, और उसमें जो भी एग्जाम्पल्स या लेटेस्ट जो न्यूज़ वगैरह है जब वो ड्यूरिंग लेक्चर आते हैं तो उसको आपको रफ कॉपी पर रखेंगे। दूसरा, आप न्यूज़ बराबर आपका अपडेट होना चाहिए। तीसरा जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के लीडरशिप में बना वो है सेंटो, सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों ही मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका के लीडरशिप में बना। देखिए अब अमेरिका मिलिट्री ब्लॉक फॉर्म कर रहा है तो नेचुरली यूएसएसआर विल डेफिनेटली एक्ट इन ऑर्डर टू काउंटर दीज मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। यूएसएसआर फॉर्म्ड वारसा पैक्ट, वारसा पैक्ट, साधारण भाषा में ये अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का संगठन, और वारसा पैक्ट में यूएसएसआर और उसके सहयोगी राष्ट्रों का गुट। तो ये कुछ रीजंस हैं व्हाई कोल्ड वॉर लास्टेड फोर इयर्स, व्हाट आर द कॉसेस बिहाइंड कोल्ड वॉर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अब मैंने पहले बताया कि ये क्यों हॉट वार नहीं हुआ, क्यों एक डायरेक्ट अटैक ये दोनों के बीच में नहीं हुआ। हालांकि कई बार ऐसे मौके आए जब दुनिया को लगा कि ये दोनों कंट्री में अभी डायरेक्ट वार होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं बताऊंगा। न्यूक्लियर डेटरेंस, न्यूक्लियर
डेटरेंस। अब ये क्या है? सी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड बोथ ऑफ द सुपर पावर्स वेर वेल अवेयर दैट दे आर हैविंग इक्वल पावर्स एंड इफ एनी डायरेक्ट अटैक टेक्स प्लेस इट विल डैमेज बोथ ऑफ द कंट्रीज। So they didn't initiate any direct war against each other। कहने का मतलब कोल्ड वॉर पीरियड में दोनों ही महाशक्तियों को यह पता था कि उनके पास क्या ताकत है, तो कभी भी वो दोनों ने एक दूसरे से एक डायरेक्ट वार करने को नहीं सोचा। उनको पता था अगर डायरेक्ट वार होते हैं तो दोनों ही देश बर्बाद होगा, तो दोनों ने कभी भी एक दूसरे के खिलाफ एक डायरेक्ट वार नहीं किया। सो दैट स्टेज इज नोन एज न्यूक्लियर डेटरेंस। न्यूक्लियर डेटरेंस मीन्स बोथ ऑफ द सुपर पावर्स वेर वेल अवेयर दैट दे आर हैविंग इक्वल पावर्स एंड इफ एनी डायरेक्ट वार अकर्स बिटवीन द टू इट विल डैमेज बोथ ऑफ द कंट्रीज। सो दे डिडंट इनिशिएट एनी वार अगेंस्ट ईच अदर। दोनों ही महाशक्तियों को पता था, अपनी ताकत का अंदाजा था कि वार अगर होगा तो दोनों को नुकसान होगा, इसलिए वो कभी भी एक डायरेक्ट वार के लिए आए नहीं। वैसे बहुत से इंस्टेंस ऐसे आए जब लगा कि वार इन दोनों के बीच में होगा। अब हम देखेंगे मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड। मैं अभी बताया कि कई बार ऐसे मौके आए, दुनिया को लगा कि ये दोनों सुपर पावर आपस में भिड़ेंगे। पहला इंस्टेंस कोरियन वार। कोरियन वार ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड, यहां पे भी कोरिया को दो हिस्सों में ले लिया। नॉर्थ कोरिया वास ऑक्यूपाइड और डोमिनेटेड और कंट्रोल्ड बाय यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया, एंड यूएसए डोमिनेटेड साउथ कोरिया। आज भी आपको देखने को मिलेंगे ये रिलेशनशिप, आज भी हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये देखते हैं। आज भी नॉर्थ कोरिया के साथ खड़ा है, आज हालांकि यूएसएसआर नहीं है, उसके स्थान पर रशिया है, लेकिन इनका रिलेशन जो है नॉर्थ कोरिया के साथ उतना ही गहरा है जो पहले एक समय में यूएसएसआर के साथ कोरिया का था। साउथ कोरिया आज भी अमेरिका के साथ खड़ा है, तो ये रिलेशनशिप बहुत पुराना है। कोरियन वार के समय में एज आई टोल्ड नाउ यूएसएसआर डोमिनेटेड नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वाज डोमिनेटेड बाय यूएसए। नॉर्थ कोरिया स्टार्टेड अटैकिंग साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के द्वारा साउथ कोरिया पे अटैक होता है। दैट टाइम मैं अभी बताया कि साउथ कोरिया के पीछे कौन खड़ा है? अमेरिका। इस समय अमेरिका ने अपनी सारी जो लड़ाकू जहाजे हैं वो जापान की सीमा में तैनात कर दिए इन ऑर्डर टू काउंटर नॉर्थ कोरिया। यहां पर नॉर्थ कोरिया मीन्स इनडायरेक्टली इन ऑर्डर टू काउंटर यूएसएसआर, बिकॉज नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया वो इनडायरेक्ट पर्दे के पीछे कौन खेल रहा है? पर्दे के पीछे यूएसएसआर और यूएसए खेल रहा है। जब नॉर्थ कोरिया अटैक करता है साउथ कोरिया पर, नॉर्थ कोरिया चाहता था कि साउथ कोरिया को भी डोमिनेट करके अपनी स्थिति को मजबूत करें। दैट टाइम इन ऑर्डर टू हेल्प साउथ कोरिया USA started deploying their warships near Japan Sea, जापान के समुद्री तटों पर अमेरिका के द्वारा अपने वारशिप को लगाया जाता है। स्थिति बिगड़ता हुआ देखकर ने जो नॉन अलाइंड कंट्रीज हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी एक चैप्टर में, नॉन अलाइंड कंट्रीज या नॉन अलाइंड मूवमेंट से जुड़े हुए कंट्रीज एक मीडिएटर का रोल प्ले करता है, एक मध्यस्थता की भूमिका अदा करता है। एंड फाइनली द टेंशन वाज एंडेड, टेंशन जो है दोनों कंट्री के बीच खत्म होता है। सेकंड
major conflict, that is Cuba missile crisis. Cuba missile crisis. During Cold War period, initially Cuba was influenced by USA, and a USA supported government was formed in Cuba, and Batista became the head of Cuban government. Cuba mein ek government ka gathan hota hai, किसके सहायता से? अमेरिका की सहायता से बेतिस्ता बनता है क्यूबा का प्रशासनिक हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड. बेतिस्ता को वहां की पब्लिक, या बेतिस्ता क्यूबा के पब्लिक के बीच में उतना पॉपुलर नहीं था, पब्लिक नहीं चाहते थे इनको, तो वहां पे एक सिविल वार का माहौल बना ही था. इस बीच यूएसएसआर केम फॉरवर्ड एंड सपोर्टेड फिडेल कैस्ट्रो. फिडेल कैस्ट्रो, ये यूएसएसआर के इनडायरेक्ट सपोर्ट से फिडेल कैस्ट्रो ओवरथ्रोन द गवर्नमेंट ऑफ बेतिस्ता. इनिशियली इन क्यूबा ए गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड विद द सपोर्ट ऑफ यूएसए. दैट गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन बाई फिडेल कैस्ट्रो, हु वॉज इनडायरेक्टली सपोर्टेड बाई यूएसएसआर. And Fidel Castro became the head of Cuba. Now, Cuba में USSR का domination बना, जो कि अमेरिका से छीन कर वो बाजी यहाँ पे USSR मार लेता है. After this, USSR started establishing her military base in Cuba. देखिए यहाँ पे मजेदार बात यह है, अमेरिका के डोमिनेंस से निकाल तो लिया क्यूबा को, लेकिन यूएसएसआर स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग हर मिलिट्री बेस इन क्यूबा. अब इसकी जानकारी अमेरिका के स्पाई प्लेन के जरिए, जासूसी विमानों के जरिए पिक्चर लिया जाता है ये मिलिट्री बेस का तैयारी को लेकर. इसका पता अमेरिका को चल जाता है, तुरंत कार्यवाही करते हुए अमेरिका फिर से एक बार क्यूबा की सीमा के नजदीक अपनी सेना को तैनात कर देता है. दुनिया को लगा कि अब ये दोनों महाशक्तियों के बीच डायरेक्ट वार होगा. दुनिया के कई देश ये सोच रहे थे अब और एक वार की संभावना है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. मैटर यूएनओ में जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है. लास्ट ईयर पढ़े हैं आप. यूएनओ में जाने के बाद यूएसएसआर अपने जो मिलिट्री प्रोग्राम है उसको वहीं पे ड्रॉप करता है और अमेरिका सेना भी वापस हो जाता है. तो ये दो मामले ऐसे आए, पहला कोरियन वार, दूसरा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस. ये दो इंस्टेंस ऐसे थे जहां पर दुनिया को लगा कि ये सुपर पावर्स के बीच एक डायरेक्ट वार होगा. लेकिन लकीली फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं. सो दीस आर द टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्ड ड्यूरिंग कोल्ड वार पीरियड. नेक्स्ट हम देखेंगे ये कोल्ड वार जो 45 इयर्स तक लगभग चला, क्या इसको कोई चैलेंज करने लायक कोई ताकत बनी या नहीं बनी? ऑफ कोर्स अब हम देखेंगे चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी. चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी.
कहने को हम इसको चैलेंज उतने अधिक भी नहीं मान सकते, फिर भी एक चैलेंज के तौर पे देखा जा सकता है। सबसे पहला है नॉन अलाइन मूवमेंट, नैम। ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, एब्रिवेशन है नैम। व्हाट इज द फुल फॉर्म? नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट। सी, आफ्टर 1945 सो मेनी एफ्रो एशियन कंट्रीज वेर इंडिपेंडेंट, बिकेम इंडिपेंडेंट। मोस्टली दीज कंट्रीज आर नोन एज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो कॉलोनी से आजाद हुए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जो एक समय में कॉलोनाइजेशन का अंडर में था, वो वहां से मुक्त हुए, ऐसे कंट्रीज को हम क्या कहेंगे? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। इन द ईयर 1947 इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, एज यू नो। आफ्टर बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट कंट्री, अवर प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू एलोंग विद फोर अदर लीडर्स, दे स्टार्टेड ए मूवमेंट, दे स्टार्टेड ए पॉलिसी, दैट पॉलिसी इज नोन एज नॉन अलाइन पॉलिसी। नॉन अलाइन, उसका वर्ड में ही उसका मीनिंग है, नॉट टू मेक एनी अलाइनमेंट विथ सुपर पावर। नॉन, वट इज नॉन अलाइन? नॉट टू मेक एनी अलाइनमेंट और नॉट टू मिंगल विथ सुपर पावर, दोनों सुपर पावर के साथ किसी भी प्रकार का जुड़ाव नहीं रखना, मेल मिलाप नहीं रखना, इसका मकसद यह है। यह पॉलिसी बनाने में दुनिया के और चार देश भारत के साथ दिए, इंडोनेशिया, पहला तो इंडिया, ये पांच कंट्री मिलकर ये पॉलिसी बनाया। थर्ड इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्त एंड यूगोस्लाविया, दीज आर दी फाइव फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। इंडिया, इंडोनेशिया, घाना, इजिप्त एंड यूगोस्लाविया। टू बाइपोलिटी, दैट इज न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इनके सामने एक मुद्दा आया कि अपना विकास वो कैसे करें। तो UNO के प्रस्ताव के अनुसार एक प्रपोजल दिया गया, जिसमें दी LDCs शुड हैव फुल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। नंबर टू, दी डेवलप्ड कंट्रीज शुड कट देयर कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड थर्ड, दी LDCs शुड be given an opportunity to sell their products in world market. So, ये यहाँ पे ये दो, एक NAM और NEO, ये दोनों जो है कुछ हद तक bipolarity को चैलेंज कर सकता है। तो इसके साथ ही हमारा ये फर्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा है, उम्मीद है कि आपको इन बातों का समझ में आया होगा, इन बातें, और इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो जो शुरू से मैंने बताया, तो रफ कॉपी पे आपका होगा वो सारी चीज़ें, उसको ध्यान दीजिए, उसी को एलैबोरेट करना है। इसके अलावा ये चैप्टर में और ऐसी कोई बात नहीं है। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड सेवरल ट्रीटीज ऑल्सो वेयर मेड, जैसे कि NPT है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, CTBT है, START है, ऐसे सेवरल ट्रीटीज हैं, इसको भी देख लीजिएगा। ये सारी जो है एब्रिवेशन है, इसका फुल फॉर्म आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट में। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक्ट ट्रीटी, सॉल्ट है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, ये सारे कुछ कुछ ट्रीटीज हैं जो ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड दोनों महाशक्तियों के बीच में हुआ। इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।